नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। साउथ अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के चार लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा आतंक साउथ अफ्रीका में ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, इनके अंदर भी ओमिक्रॉन का वायरस हो सकता है। पीड़ित परिवार जयपुर के दादी का फाटक का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही ये सब दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे थे। परिवार के सदस्यों में जिनको कोरोना हुआ है, उनमें से माता पिता, 8 साल की एक उनकी बेटी और एक 15 साल की बेटी शामिल है। बताया जा रहा है कि परिवार के 9 लोग 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन लोगों के संपर्क में आए 5 और लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन का आपको बता दें कि पहला केस दक्षिण अफ्रीका में ही मिला था। ऐसे में ओमिक्रॉन को देखते हुए फिलहाल इन सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई है, हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कोरोना के कौन से वेरिएंट से ये संक्रमित हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और किसी भी सदस्य में कोई लक्षण नहीं है। भारत में भी शुक्रवार को ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। इनमें से एक 66 साल के बुजुर्ग हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, जबकि दूसरा शख्स एक स्वास्थ्यकर्मी है। दोनों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। अब तक 29 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।